हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया ईट। मैं हूं वत्सला वर्मा और आज मैं अपनी किचन में बनाने वाली हूं इजी टू मेक ब्रेकफास्ट वेजिटेबल बन। ये बन्स हम सूजी और मैदा को यूज करके बनाएंगे और इसमें स्टफिंग करेंगे वेजिटेबल्स की। तो आइए देखते हैं वेजिटेबल बन बनाने की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस और शेयर कीजिए अपने व्यूज मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 2 कप सूजी और रवा जो अराउंड 300 ग्राम्स है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा अराउंड 150 ग्राम्स। मिक्स करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बना लेंगे। मैंने इसमें टोटल अराउंड 1.5 ग्लास पानी डाला है। तो बैटर बन गया है। अब हम इसे 4 आवर्स तक रखेंगे जिससे सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर ले। मैंने इसे 4 आवर्स तक रखा है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अनरोस्टेड रवा लिया है। यहाँ पे हम रोस्टेड रवा नहीं लेंगे क्योंकि रोस्टेड रवा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। अब डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और अराउंड 3 टेबल स्पून्स वाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपनी चॉइस की कोई भी वेजी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए 1 चॉप्ड कैप्सिकम, 1/2 कप चॉप्ड कैबेज, 1 चॉप्ड टोमेटो एंड 1 चॉप्ड अनियन। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला। ये ऑप्शनल है। मैंने स्पाइसी फ्लेवर लाने के लिए मसाला ऐड किया था। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा बैटर अलग बोल में निकालेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 पैकेट फ्रूट सॉल्ट और क्विकली मिक्स कर लेंगे। हम पूरे बैटर में एक साथ फ्रूट सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम पूरे बैटर में एक साथ फ्रूट सॉल्ट डालेंगे तो बाद के बन्स बनाने में फ्रूट सॉल्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा। अब हम बन बनाना स्टार्ट करते हैं। बन बनाने के लिए हमें चाहिए कॉनकेव तवा, मतलब जिसकी बेस थोड़ी गहरी हो। तवा गर्म होने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और चारों तरफ ऑयल डालेंगे। अब ऑयल के ऊपर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून वेजीज और स्पून से सारी वेजीज एक साथ कर देंगे। अब हम वेजिटेबल्स के ऊपर डालेंगे बैटर। बस हमें इतना बैटर डालना है कि सारी वेजीज बैटर से कवर हो जाए। एक बार फिर बन के चारों तरफ ऑयल लगा देंगे और इसे लिड से कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट्स तक कुक करेंगे। फाइव मिनट्स बाद आप देख सकते हैं बन ऊपर से ड्राई हो गया है। जब ऊपर की साइड पूरी ड्राई हो जाए तो हम साइड चेंज करेंगे और ये साइड भी 5 मिनट्स तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ये बंस बनाने में भी इजी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए होममेड वेजिटेबल बंस की रेसिपी अपने घर पर और शेयर कीजिए अपने व्यूज मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।